बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय सेल्फ रीमा शाहीन एंड आई एम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईएलटी असिस्टेंस। आपको वेलकम किया जाता है आज की डेमो क्लास फॉर द अमेज़न होलसेल फॉर सऊदी अरेबिया एंड यूएई। सबसे पहले जो है स्टार्ट करते हैं हम अपने इंट्रोडक्शन से। बहुत सारे लोग जो हैं वो हमें जानते हैं, कुछ ऐसे न्यू मेंबर्स हैं जो नहीं जानते कि एक्चुअली ये कंपनी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है और क्या कहाँ पे बेस करती है। बेसिकली ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं ये एक कम्बिनेशन है टू कंपनीज का, दैट इज़ द वन is ELT assistance and then other one is the e-commerce solution pro. ये एक collaborative work किया गया है basically for the Middle East के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों companies based करती हैं, तो मिलके एक ही training program जो है वो conduct किया गया है ताकि आप लोग के लिए आसानी से जो जितने भी हमारे experts हैं उनको एक platform पे इकट्ठा किया जाए और जो भी उनकी expertise है उनसे जितने भी हमारे यहाँ पे Middle East में लोग हैं, सऊदी अरेबिया में है, यूएई में है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं और वो यहाँ पे रह रहे हैं, उनके पास तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और वो अपने आप को जो है वो कैश इन दिस सेंस कर सकते हैं कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की गई है कि उनको बताया जाए कि वो किस तरह से एज एक्सपर्ट यहाँ रह के अपना काम जो है अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं ऑनलाइन। ये दो बेसिक पिलर्स हैं इन दोनों कंपनीज के। मिस्टर शकील अहमद जो के सीईओ हैं ईएलटी असिस्टेंस के, इज आल्सो अ फाउंडर ऑफ ई लर्निंग ट्रेनर एंड द सोलो ट्रैवलर। ये तीनों जो डिफरेंट आपको नेम नजर आ रहे हैं इनकी जो बेस रखी है वो शकील साहब ने रखी है और ये हमारे साथ हमें ज्वाइन करते हैं फॉर द सम स्पेसिफिक जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं उनके लिए। और साथ हैं हमारे असद साहब। असद साहब जो हैं वो सीईओ हैं ECSPO के। ये माशाल्लाह खुद में एक मेंटोर हैं। ये बेसिकली जो ईएलटी असिस्टेंस के साथ भी कोलैबोरेशन का जो वजह थी वो ये थी कि वो हम इनको इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे थे अपने मिडिल ईस्ट के प्लेटफॉर्म के लिए। तो ये खुद माशाल्लाह एक पर्सनालिटी हैं एज अ मेंटोरशिप के लिए, अपने बिजनेस जो इनकी स्ट्रेटजीज और एक्सपर्टीज है उसके लिए। तो आप सब मोस्टली असद भाई को जानते हैं, तो ज्यादा इनकी इंट्रोडक्शन जो है वो आपको खुद ही पता होगा। मूव ऑन करते हैं हमारी टीम की तरफ। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि हमारा जो एक बेस है वो उस तरीके से है कि हमारे पास एक हायरार्की बनी हुई है। उसकी वजह यह है कि कोई भी सिंगल पर्सन किसी भी चीज को हैंडल आउट नहीं कर सकता, तो उस चीज को एक पूरा कंप्लीट स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चर देने के लिए एक टीम जो है वो बिल्ड की गई है, जो कि ना सिर्फ मिडल ईस्ट के लिए है बल्कि यूएसए यूके के लिए भी है। फोर मार्केट्स हम लोग कवर करते हैं, यूएसए की मार्केट, यूके की मार्केट, यूएई की मार्केट एंड केएसए की मार्केट। तो मिडल ईस्ट की जो हमारी टीम है वो सबसे पहले जो है मैं आपको एज अ रिप्रेजेंटेटिव, आपकी किसी भी किस्म की सपोर्ट जरूरत हो, कोई क्यूरियस हो, कोई कोई किसी भी किस्म का इशू हो वो रिजॉल्व करने के लिए अवेलेबल हूँ। देन हमारे पास हैं सलमान भाई, माशाल्लाह हमारे सीनियर मैनेजर हैं जो बहुत सारी जो चीज़ों की मैनेजमेंट है उसमें हमारी हेल्प करते हैं। देन हमारे पास हया जो है वो मौजूद हैं, वो एज अ सपोर्ट मैनेजर हमारे साथ काम करती हैं। सलमान भाई आप प्लीज अपना जो है एक क्विक इंट्रोडक्शन प्लीज हमें दे दें। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, मैं सलमान। आप लोग शॉर्ट इंट्रोडक्शन तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का आपको हो चुका है। उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को बड़ा पॉजिटिविटी लेके और अच्छे तरीके से सीखेंगे। अपना इंट्रोडक्शन यह है कि मैं लाइव स्पोर्ट में आऊंगा, आपको लोगों को कोई भी क्वेश्चन, क्यूरीज, प्रॉब्लम और किसी किस्म की भी आपको कोई इशू आता है फ्रॉम से लेके फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर टू द लास्ट लेक्चर मैं आपको सपोर्ट करूंगा। और दूसरा जो मेन जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो मकसद है वो यही है कि आपको पुश अप करो करवाना उस चीज की तरफ जो आपने पहले नहीं की। और उसमें हमारा मोटो यही है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ईएलटी और ईसीएस, आप इसके थ्रू इतना कुछ सीख पाए कि हम लोग अपना अपना जो मोटो है उसको हम लोग आगे फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव लेके जा सकें।
तो मेरा यहाँ आपसे इंट्रोडक्शन ज्यादा मैसेजेस पे रहेगा और क्वेरीज पे रहेगा, तो इन केस अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह इस ग्रुप के बाद, इस सेशन के बाद या दूसरी क्लासेस के बाद रहेगा तो आई विल बी एट योर सर्विस। तो होप सो आपके साथ काम करके मजा आएगा। और ये हमारा 8th ग्रुप है, तो इससे पहले भी हमारे बहुत से स्टूडेंट हैं, वी आर वेरी प्रोग्रेसिव अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों ने बहुत अच्छा अचीव किया है विदाउट एनी कंप्लेंट। तो आई होप सो दैट आप लोगों के साथ भी हम लोगों को काफी मजा आएगा और आप लोग इसको सीख, जितना आप अच्छा सीखेंगे उतना ही हमें अच्छा लगेगा आपको सिखाने में। सो आई वुड लाइक टू वेलकम एवरीबॉडी इन दिस ग्रुप एंड वी विल बी यू नो होपिंग एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक टू बी हैव अ सक्सेसफुल कैरियर इन अमेज़न लाइव इन दिस वर्ल्ड, अमेज़न लाइव वर्ल्ड। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सलमान भाई, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे ये भी मैं बता दूँ कि सलमान भाई भी हमारे एक बैच में एक एज अ इंटर्नी जो है वो इंटर हुए थे, और नाउ ही इज विद अस। एंड इसी तरह हाया जो है वो भी हमारी एक इंटर्नी थी, और जिन्होंने स्टार्ट किया बिजनेस अपना हमारे साथ। हाया प्लीज आप अपना एक इंट्रो दे दें। जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हया एंड आई जॉइंड ईएलटी एज अ ट्रेनी जस्ट लाइक यू गाइस एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वर्किंग विद ईएलटी टू ट्रेन द न्यू बैचेस। और ईएलटी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपके पास यहाँ बहुत ग्रोथ के चांसेस हैं और इस प्लेटफॉर्म पे रहते हुए आप, देयर आर ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटीज जो आप के आगे आएंगी एंड आई रियली विश के आप उन सब अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करें एंड यू कैन ग्रो लाइक आई हैव ग्रोन। और मेरी बहुत अच्छी ग्रोथ रही है ईएलटी के प्लेटफॉर्म पे एंड आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। आई वर्क विद देम एज अ सपोर्ट मैनेजर, और जो ग्रुप मेंबर्स जिनको ग्रुप कॉल में या ग्रुप क्लास में समझ किसी पॉइंट की नहीं आ सकती है, दे कैन हैव अ वन टू वन सेशन विद मी किसी भी पॉइंट पे आके, जहाँ आपको लगे आप रीमा से आप डिस्कस करें, शी विल सेट एन अपॉइंटमेंट। और फिर I'm sorry, I'm in Taif. It's very, very cold. इसकी वजह से मेरी आवाज जरा इज नॉट क्लियर। तो वेलकम ऑल एंड वी लुक फॉरवर्ड टू अ वेरी गुड बैच। वन मोर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके जी, ये इंट्रोडक्शन था हमारी टीम का जो कि मिडिल ईस्ट के लिए है। आगे अपना इंट्रोडक्शन जो है वो हम कंप्लीट करते हैं कि व्हाट वी ऑफर, ऐसा क्या है जो हम लोग ऑफर कर रहे हैं, क्या हम जस्ट अमेज़न से रिलेटेड बात करते हैं? तो ऐसा नहीं है। बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये एक डिजिटल सर्विसिंग प्रोवाइडिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। वी आर वर्किंग फॉर द डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कंटेंट राइटिंग सर्विसेज, ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज, एफिलिएट मार्केटिंग एंड वेब डेवलपमेंट। और जो कोर आपके सामने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है वो ई कॉमर्स ट्रेनिंग का है। ई कॉमर्स ट्रेनिंग के अंदर जो प्लेटफॉर्म कवर किए जा रहे हैं राइट नाउ वो अमेजोन का है, उसके बाद नून का है और फोर डील का है। तो अभी राइट नाउ आप जब जो सब इंटर्नीज हैं वो अमेज़न से रिलेटेड हैं। अच्छा, बेसिक एजेंडा क्या है इस कोर्स का, इसको समझना बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या सीखने जा रहे हैं और इसके कितने स्टेप्स होंगे, क्या क्या इसकी चीज में होंगी। बहुत सारे लोगों को टर्मिनोलॉजीज पता होती हैं, वो कनेक्टेड रहते हैं, अपनी सर्च वगैरह की हुई होती है अमेजोन के ऊपर, और काफी आजकल तो काफी इसका जो है वो सुना हुआ होता है, तो उनके लिए इतनी मुश्किल नहीं होती। लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने नहीं इतना कनेक्टेड रहे, तो उनके लिए एक जस्ट आउटलाइन रेडी की है, विच इज जो हम स्टार्ट करेंगे अपने अकाउंट क्रिएशन के साथ। देन हम कुछ टर्मिनोलॉजीज ऑफ अमेजोन मार्केट प्लेसेस के ऊपर बात करेंगे, देन हम मॉडल को डिस्कस करेंगे, फिर शिपिंग मॉडल जो है हमारे FBM, FBA, इनको हमने क्लियर करना है। देन प्रोडक्ट हंटिंग स्ट्रैटेजी, दैट इज अ कोर पार्ट ऑफ कोर्स, इसको हमने हैंडल करना है। उसके बाद प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, हाउ टू डू द मी टू विद ब्रांड्स एंड नॉन ब्रांड्स। उसके बाद प्रोडक्ट सोर्सिंग प्लेटफॉर्म एंड लोकल सोर्सिंग किस तरह से होती है, सऊदी अरेबिया के कुछ लीगल लॉज एंड रिस्ट्रिक्शंस हैं अबाउट इम्पोर्ट, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बिकॉज हम यहाँ पे मौजूद है एज एक्सपर्ट, ठीक है। हमने जो अकाउंट अपना क्रिएट करना है वो इंडिविजुअल बेसिस पे करना है, हमारी कोई कंपनी वगैरह रजिस्टर्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोग रजिस्टर नहीं कर सकते, हम अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं, एज वी ऑलरेडी हैव अ रजिस्टर्ड कंपनी फॉर सरासद, दैट इज अ स्मार्ट क्लाउड। तो उसके लिए भी आपको काफी एक्सपेंस चाहिए होता है। तो फिर ऐसा भी नहीं है कि अगर आपका प्रोफेशनल अकाउंट नहीं है तो आप जो है इंडिविजुअल अकाउंट पे काम नहीं कर सकते, आप बिल्कुल काम कर सकते हैं। आप होलसेल मॉडल जो है वो अप्लाई करेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग एंड ग्रोथ स्ट्रेटजीज, और देन पेपर क्लिक टेक्निक्स फॉर ग्रोथ।
a very basic question. What is commerce and e-commerce? क्या फर्क है इन दोनों चीजों में? Commerce की अगर बात करें तो ये बहुत ही common चीज है कि physically अगर आप देखें sell and purchase का काम जो है वो हो रहा है, वो एक physically जो है एक market है आपके पास. अगर इसी चीज को मैं convert कर देती हूँ online किसी भी platform के ऊपर तो उसको हम कहेंगे e-commerce. E-commerce के हमारे पास different platform है, like Amazon है, eBay है, Shopify है, Walmart है. तो ये different platform है जो आपको allow करते हैं, वहां पे आप purchasing कर सकते हैं, वहां पे आप सेल कर सकते हैं. तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये आपको दिए जाते हैं ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर. हम लोग जिस मॉडल पे काम करेंगे, जिस प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे वो अमेज़न का प्लेटफॉर्म होगा. Amazon की बहुत सारी डिफरेंट मार्केट प्लेसेस होती हैं. मार्केट प्लेसेस का क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जैसे 13 मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पे जो है Amazon वर्कआउट कर रहा है. जैसे सऊदी अरेबिया में है, UAE में है, USA में है, UK में है. जो ELT असिस्टेंट्स है वो इन चार मार्केट्स को हैंडल आउट कर रही है. और हर मार्केट का क्या मतलब है? जब आप amazon.us से टाइप करते हैं तो दैट्स मीन आप सऊदी अरेबिया की मार्केट को बात करें. और अगर आप जब आप amazon.com टाइप करते हो दैट मीन यू आर टॉकिंग अबाउट द USA मार्केट. सो हर मार्केट प्लेस का जो लिंक है वो अलग है. ये चीज समझना बहुत जरूरी है. आप लोगों ने किस में काम करना है? आपने amazon.sa में काम करना है. आगे बात करते हैं, हमारे पास amazon मॉडल्स के ऊपर बात करते हैं. मॉडल जो है हमारे पास बेसिकली 3 मॉडल्स हैं फॉर amazon. द फर्स्ट वन इज द प्राइवेट लेबल, द सेकेंड वन इज द amazon होलसेल एंड द ड्रॉप शिपिंग. हम बेसिकली जिस भी जो दो मॉडल्स हैं उनके साथ काम करते हैं, दैट इज द प्राइवेट लेबल और Amazon होलसेल के ऊपर काम करते हैं. और इस जो ये प्रोग्राम है हमारे पास, ये जो सेशंस होंगे ये Amazon होलसेल के ऊपर होंगे. प्राइवेट लेबल से इसके नाम से ही आपको आइडेंटिफाई होता है समथिंग इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक आइडेंटिटी. आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसमें आपने अपना लेबल यूज किया, आपने उसकी अपनी ब्रांडिंग की, दैट इज ओनली योर प्रोडक्ट. दैट इज बेसिकली अ प्राइवेट लेबल. होलसेल का क्या मतलब है? होलसेल का ये मतलब है कि आपके पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ऑलरेडी सेलिंग हैं ऑन Amazon और आप भी उनके साथ में सेल करना चाहते हो सेम प्रोडक्ट को. एंड ड्रॉप शिपिंग इज अनदर स्ट्रैटेजी जिसमें ये होता है कि आपकी ना तो प्रोडक्ट होते हैं ना ही आप लिस्ट करते हो. बस उसमें ये होता है कि आपका जो जब आपको ऑर्डर आता है कस्टमर का तो आप परचेज करते हो, किसी जगह से परचेज करके अपने कस्टमर को डिलीवर कर देते हो. अच्छा, इस ट्रेनिंग सेशन जितने भी होंगे उसमें एक इंशाल्लाह एक हमारा जो सेशन रहेगा वो एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड भी होगा, जो कि Amazon एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर होगा. विच इज फॉर कि आपने एडवर्टाइज कैसे करना है, अगर आपने उससे बेनिफिट हासिल करने हैं अपने जो एफिलिएट मार्केटिंग से है वो किस तरह से होते हैं, तो ये सारी डिटेल भी आपको एक सेशन में बताई जाएगी. हमारा लर्निंग मॉडल जो है वो Amazon होलसेल है. Amazon होलसेल में हमने क्या करना है? हमने मी टू लिस्टिंग करनी है. मी टू लिस्टिंग का क्या मतलब है कि आपने किसी ऑलरेडी जो ब्रांड की लिस्टिंग है उसके साथ में आपने किसी ब्रांड की या नॉन ब्रांड की कोई भी लिस्टिंग है उसके साथ आपने अपना सेल करना है. उसके लिए आपको खुद से लिस्टिंग क्रिएट नहीं करनी पड़ती, कोई ग्राफिक्स नहीं लेने पड़ते, जस्ट आपने उसके साथ में एज अ न्यू ऑफर दे के आपने उसके साथ में आप अपनी लिस्टिंग कर लेते हैं. एंड हम MPL के बारे में बात करेंगे. MPL बेसिकली क्या होता है? माइक्रो प्राइवेट लेबल होता है फॉर द स्मॉल मार्केट प्लेसेस. कि जब हम प्राइवेट लेबल करना चाहते हैं किसी स्मॉल मार्केट पे तो किस तरह से करते हैं वो भी आपको बताया जाएगा. तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जिसमें सारी डिटेल बताना जरूरी थी ताकि आपको आइडिया हो कि आगे क्या आप सीखने जा रहे हैं. तो जर्नी स्टार्ट करते हैं टू बिकम अ सक्सेसफुल सेलर. तो उससे पहले आपके क्या प्रीरिक्विजिट्स हैं? क्या आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है? जो सबसे प्लस पॉइंट है वो ये है कि आपको जो भी चीज सिखाई जाएगी आपको आपके अकाउंट के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा. तो ये इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मौजूद होने चाहिए. क्या किसी के पास अभी ये डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं?